इनसिक्योरिटी माउंट व्यू एग्जीक्यूटिव होटल से एंट्रेंस है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो हम लोग गुड मॉर्निंग, तो हम लोग आए हैं पाचगनी में, उधर हम लोग ने माउंट व्यू होटल बुक किया है, तो उसका हम लोग टूर देंगे आज आपको कि कितना प्राइस है, क्या कैसे रूम्स है और होटल कैसा है। मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन आइडिया आ जाएगा कि कौन सा होटल बुक करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से तो बजट वाइज ये बेस्ट है और पाचगनी में आसपास के पॉइंट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने होटल महाबलेश्वर में दूसरा बुक किया है, वो भी दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी आपको रूम टूर दिखाते हैं माउंट व्यू का। तो हम लोग ने पहले बेसिक रूम बुक किया है, उसमें कुछ कविता दिखाएगी। वेलकम। और ये हॉल है रूम का, इसमें कुछ व्यू नहीं है, इतना व्यू साइड है, उसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, 300-400 रुपीस, लेकिन हम लोग ज़्यादा टाइम स्टे नहीं करने वाले, एक ही दिन का था इसके लिए हम लोग। लगेज वगैरह रख सकते, लगेज वगैरह रख सकते, एक बेड दिया है, टेबल दिया है, टीवी भी दिया है अंदर, इधर नॉर्मल एक डाइनिंग टेबल दिया है इसमें, और अंदर ये बेडरूम है, इसमें एक बेड है, टीवी दिया है, बेसिक चेयर्स दिया है दो, और ये विंडो है, और ये विंडो का व्यू है बाहर का, इसमें कुछ व्यू नहीं है बाहर। और मेन चीज़ यहाँ का किचन नहीं सॉरी टॉयलेट है, तो टॉयलेट अच्छा रहना चाहिए, तो टॉयलेट बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन है, बेसिक टॉयलेट दिया है लेकिन नीट एंड क्लीन है, अच्छा है। यहाँ से वार्डरोब से सामान रखने के लिए आपको यहाँ पे भी है, ड्रेसिंग टेबल दिया है, और ऊपर भी है, ये इधर की एक अलग फैसिलिटी की, इधर ऊपर भी बेड दिया है, आई डोंट नो किस लिए दिया है लेकिन ऊपर भी है। तो इधर दिखा ऊपर का बेड, चलो आ जाओ ऊपर, ऊपर का भी बेड दिया है यहाँ पे, दो रेस्ट रूम है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी रेस्ट कर सकती तो ऊपर भी बेड दिया है यहाँ पे। तो हम लोग ने जो रूम बुक किया था बाजू का किया था, वो रूम थोड़ा मैसी हो गया था, इसके लिए ये रूम आपको दिखा रहे हैं। तो सिमिलर रूम से जो आपको 1300-400 में मिलेगा, और जो व्यू साइड रूम है वो भी दिखाने का आपको ट्राई करते हैं, अभी देखते हैं नीचे उसके पहले नीचे का व्यू दिखाते हैं होटल का और बाहर का व्यू, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नीचे का व्यू, नीचे थोड़ा गेमिंग जोन है, गेमिंग सेक्शन से वो दिखाते हैं आपको, और मील आपको कुछ ऑर्डर करना रहेगा तो नीचे कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। तो अभी आप चलते हैं नीचे सीधा, बाहर का लॉबी भी अच्छा है, ये देखो इतना स्पेशियस है, ये है होटल का लॉबी बाहर का, और नीचे का व्यू दिखाते हैं गाइस आपको। अभी हम वैली साइड का जो रूम है ना, उसका प्राइस कुछ तो 1800 रुपया कुछ तो है, और टैक्सेस इंक्लूड ऊपर हो जाएगा कुछ तो 2000 के करीब हो जाएगा, तो वो आपको दिखाते हैं वैली साइड रूम। ये देखो पूरा इधर से वैली दिख रहा है, और होटल का स्विमिंग पूल दिख रहा है, ये देखो, और उधर कॉफ़ी पीने के लिए बहुत अच्छी जगह है, अभी धूप आ गई सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छा था। तो वैली साइड रूम है ये, इसको भी सिमिलर ऊपर, इसका थोड़ा बड़ा दिख रहा है मेरे को, नहीं उतना ही है, सिमिलर ऊपर बेड है, कभी तो बेडरूम, और ये बेडरूम है, यहाँ पे बेडरूम है, और बेडरूम का व्यू देखो यार, ऑसम बेडरूम है, और इधर का व्यू देखो, मेरे ख्याल से 200-300 रुपये ज़्यादा देना ही अच्छा है, लेकिन ये रूम बेस्ट है जो वैली साइड है, कुछ तो 1800-1900 का गिरेगा आपको। इधर भी इन लोग ने कबड़ और सब दिया हुआ है असिस्टेंट, और यह है इसका वॉशरूम, नीट एंड क्लीन सिमिलर है, ऑल वॉशरूम आर सिमिलर। अभी नीचे का व्यू चलते हैं, नीचे आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं होटल का। गाइस आपको अगर फैमिली के साथ आना है, अगर दोस्तों के साथ आना है, जो 6 जन को देते हैं ना, अलाउ करके 6-7 भी चलते हैं,
तो 6-7 जन रहेगा ना, तो उसके लिए भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी बड़े रूम का है। ये देखिए रूम देखिए, सिर्फ ऊपर किंग साइज बेड है, इधर डाइनिंग टेबल है, चेयर्स अच्छे क्वालिटी का दिख रहा है मुझे ये रूम में, बेड सिमिलर है वहाँ पे भी था, और बालकनी भी और देखिए, बालकनी का वाओ व्यू देखो यहाँ से भी। सुपर। इधर मॉर्निंग में मस्त लग रहा था, यहाँ पे बहुत धूप आ गया, मस्त है ना, ये तो हॉल है सिर्फ, फुल हॉल है ये तो, अभी ये हॉल है। हॉल है, अभी आपको बेड दिखाते हैं हम लोग, बेडरूम है, ये बेडरूम है, ये देखो ऊपर एक बेड था, यहाँ पे एक बेडरूम है यहाँ पे, और बेडरूम से भी व्यू आ रहा है माउंट व्यू का, माउंट व्यू का, इसके लिए होटल का नाम है माउंट माउंट व्यू, व्यू। तो ऑसम ये रूम है, यहाँ पे भी उन्होंने दिया है सब अभी, और यहाँ पे भी एक वॉशरूम दिया है, वो ये वॉशरूम बड़ा है, नीट एंड क्लीन और बहुत बड़ा है, जो अदर वॉशरूम थे ना उससे बहुत ह्यूज साइज है, तो अच्छा है, जो 6 जन आएंगे उनके लिए अच्छा है। कुछ तो कितना बोला कविता, 6,000, 6,000 6,000 तो 6,500 इसका रेट है, और ऊपर भी वो बेड है, टैक्स को ही इंक्लूड 6,500 तक हो और जाएगा, ऊपर भी एक बेडरूम, और ऊपर भी एक बेड है सिमिलर जो अदर रूम्स में आपको दिखाया था। डोर का कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, डोर क्लोज करके जाना पड़ेगा। ओके, ऊपर भी ये बेड है, और उधर से भी व्यू है अच्छा, और ये यहाँ पे इधर इधर विंडो को, एक यहाँ का ऑसम चीज है ये रूम का, यहाँ को आपको बाहर का भी ऊपर से मिल रहा है, छत से भी। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसे कोई होटल में जो ऊपर से भी इधर व्यू है आपको। और यहाँ से भी, यहाँ पर एक बेडरूम है, और यहाँ पे दो कपल्स तो आराम से, दो तीन कपल आराम से अगर रह आप 6-7 जन आते हो तो थाउजेंड से सकते, भी कम रूम इसमें ये हो जाएगा। ए रूम बेस्ट है आपके लिए, जो तीन हाँ, जनों के लिए ए रूम सात है। जन आज 7 जन भी वो अलाउ कर रहे हैं हमको बोला, तो 7 जन के लिए 1,000 रुपीज़ भी नहीं आएगा, तो नथिंग है। पंचगनी में आपको माउंट व्यू में इतना मिल रहा है, और होटल भी बहुत अच्छा है, अभी नीचे का व्यू दिखाते हैं हम आपको। सो गाइज, आपने तो देख लिया होगा बहुत मस्त रूम है यहाँ पे, दो रूम हमने आपको दिखाया, एक बड़ा रूम है जो 6-7 लोगों का है, और एक छोटा रूम जो दो लोगों का रह सकते हैं आराम से। अभी ये लॉबी एरिया है, ये रिसेप्शन एरिया है होटल का, यहाँ पे क्यूट डॉगी है जो कि कुछ बिल्कुल अवॉइस नहीं करता है, और ये यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ पे गेमिंग जोन है और सब है, स्नूकर से लेकर सब कुछ, यहाँ पे कैरम खेल सकते हैं आप, बोर नहीं होगे अगर आप किसी के साथ फैमिली के साथ आओगे तो आप बोर नहीं होगे। यहाँ पे कैरम है, सांप सीढ़ी है, चेस है, सब गेम्स है, यहाँ का व्यू देखिए, पैसा वसूल होटल है एकदम ही, आप आइए जरूर। और यहाँ पे स्मोकर टेबल्स है, लेकिन इसका कॉस्ट है, इसका 300 ये चार्जेबल है स्मोकर टेबल्स, बाकी सब गेम जोन फ्री है, लेकिन ये इसका चार्ज। और वहाँ पे प्रसाद का फेवरेट टेबल किटी टेबल, वैसे तो फेवरेट ही है लेकिन इसका चार्जेबल इसके लिए आपको वर्थ नहीं है। हाँ, किटी टेबल अच्छा है, हम लोग ये किटी टेबल खेलेंगे अभी बाद में, और ये भी हाँ, और अभी ये सब गेमिंग जोन है, और यहाँ पे हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, यहाँ से भी है, बाहर से भी है, सब साइड से बाहर का व्यू, अभी यहाँ से मस्त बाहर का सीन दिखने वाला आपको, वाओ फेवरेट सीन है यहाँ का, फेवरेट सीन मुझे मतलब अभी अलाउड नहीं लगता स्विमिंग पूल में जाने के लिए है क्या, तो हम लोग जाते थे ना यार। देखो गाइस, होटल के बाहर ही स्विमिंग पूल, जो आपको मैंने फर्स्ट रूम दिखाया था जहाँ पे स्विमिंग पूल का व्यू था बाहर से, ये वो हॉल हमारा रूम था ऊपर, और ये नीचे स्विमिंग पूल, जहाँ पे मस्त बैठ के नाश्ता करो, ब्रेकफास्ट करो, सब करो, और मस्त व्यू दिख रहा है अभी आपको बेस्ट। अभी मैं आपको माउंट व्यू का व्यू दिखा था, इसके लिए इसको माउंट व्यू नाम क्यों पड़ा है आपको दिखा रही हूँ। अभी ये देखिए, महाबलेश्वर में महाबलेश्वर में आए और माउंट व्यू का व्यू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा आपने। माउंटेन माउंटेन
मतलब ये लो कॉस्ट होटल है और आप यहाँ पे व्यू देख सकते हैं। थोड़ा महाबलेश्वर से लंबा है, महाबलेश्वर से 20-25 किलोमीटर दूर है, लंबा है लेकिन व्यू अच्छा है। हम लोग आप लोग महाबलेश्वर के मार्केट साइड में होटल बुक करोगे तो आपको इतना व्यू नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो। ये देखिए व्यू यहाँ से, क्या व्यू लग रहा है यार, पूरी चारों दिशा पे माउंटेन ही माउंटेन है और ये होटल है, माउंटेन व्यू एग्जीक्यूटिव, माउंटेन व्यू एग्जीक्यूटिव ये होटल का नाम है। वाव देखिए यहाँ से होटल का व्यू देखिए, धूप आ गया अभी धूप आ गया है लेकिन कुछ नहीं, यहाँ पर आप लोग बैठ के नाश्ता वास्ता करेंगे अभी हम लोग। मस्त ना प्रसन्न, ऑसम मजा आया, ऑसम होटल है यार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम लोग रेट्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाले हैं। अगर आप 6-7 लोग हो तो बड़ा रूम बुक करिए, आपको प्रॉपर बजट में बैठेगा वो, और अगर आप कपल्स हो तो छोटा बुक रूम बुक करिए, वो आपको 1500-1600 में व्यू साइड वाला ही। लेकिन व्यू साइड वाला बुक करिए, वो 1800 प्लस टैक्स रहेगा लेकिन बेस्ट रहेगा जो आपको हमने दिखाया था। ओके तो अभी आपको हमने पूरा होटल दिखा दिया है, अभी आपको अगर महाबलेश्वर आना है और आप सोच रहे हो कि लो बजट में कौन सा होटल बुक करें तो ये पंचगनी साइड में माउंट व्यू होटल जो है आप उसका सोचिए और ये बुक करिए। ओके चलो फिर हम लोग अभी ब्लॉग का यही एंड करते हैं, ये ब्लॉग का यहाँ पे ही एंड कर रहे हैं हम लोग। माउंट व्यू होटल के लिए स्पेशल ब्लॉग किया था ये, बाकी जो हम लोग ने यहाँ पे कैसा है वो तो आपने देखा ही रहेगा, पर तो पहले का ब्लॉग देख सकते हो, और अभी यहाँ से क्या करने वाले हैं वो भी नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग डालने वाले हैं। तो फिलहाल ये माउंट व्यू होटल का ये जो ब्लॉग किया है वो इधर ही हम लोग फिनिश कर रहे हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन होटल के बारे में चाहिए तो हमको कमेंट करके बोलिए, हम सबके रिप्लाई में कर दूँगा। ओके चलो बाय, सी यू।